कहाँ जा रही हो भाई? अरे मम्मी, आपको बताया था ना कि अम्मी की तरफ जाना है मुझे। तुम्हारी अम्मी ने तुम दोनों बेटियों को ससुराल में ब्याह करना हाथ उठा ली है। उनको बिल्कुल तमीज नहीं है कि ससुराल वालों से मिलना जुलना पड़ता है, कुछ अदब आदाब होते हैं। मतलब हम लोगों को वो पूछते ही नहीं है। कैसे लोग हैं तुम्हारे घर वाले? दो बेटियों को ब्याह कर उनकी अकड़ ना गई अभी तक। अब चुपचाप खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? ना फरकान वहां पर थे तो हमने चाहती थी कि मैं भी अरसलान के साथ वहां जाऊं। तो जाओ भाई, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें? क्योंकि तुम और तुम्हारे मियां तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। इस घर में मेरी तो कोई हैसियत है नहीं ना, ना मुझसे कोई पूछता है, बस बताते और निकल जाते हो। अम्मी, मैं हमेशा आपको बताकर तो जाती हूँ। बीबी, मैं वो ही बोल रही हूँ, आप हमेशा बताती हैं, पूछने की जहमत कभी नहीं की, इजाजत नहीं ली आपने मुझसे कभी। अरसलान आ गए। आ गया है तो जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें रोका हुआ है? आप खड़ी रहोगी या अरसलान को अंदर बुलाओगी और मेरी शिकायतें लगवाओगी? हाँ, वो हाल करूंगी ना तुम्हारा, मैं खुद ही भागोगी इस घर से। सामिया, तुम रो क्यों रही हो? वो मम्मी ने कुछ कहा है? नहीं, मम्मी ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि मम्मी को हमारा अम्मी की तरफ जाना मुनासिब नहीं लगा, तो मैं बात करके आता हूँ उनसे। नहीं अरसलान, मैं कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ होता तो मैं आपको आके बता देती। पक्का? चले चलो। अम्मी, अकबर भाई से कोई रابطہ हुआ? नहीं बेटा, अब तो उसका नंबर ही नहीं मिल रहा। आप आपी को समझाएं, वरना ऐसा ना हो कि अकबर भाई बदल जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है? नहीं, आप आपी को कहें कि अपनी जिद छोड़ते। आप कहती हैं तो मैं अरसलान से बात करूं। मुझे लगता है कि मर्दों में बात होगी तो सूरत-ए-हाल कुछ ज्यादा बेहतर हो सकती है। अम्मी प्लीज, आप आपी को समझाएं, पैसों की अहमियत अपनी जगह होती है, हम इस तरह से रिश्तों से मुंह नहीं फेर सकते। ये बात तो समझा समझा के थक गई हूं मैं, लेकिन उसकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। पता नहीं क्यों जिद बांध के बैठ गई है वो। घर बहुत मेहनत और सब्र से बनते हैं। अम्मी ने तो अपनी हर मुश्किल को हंसकर टाल दिया। अम्मी प्लीज, आप आपी को समझाएं कि वो अपने घर में जाएं, अपना दिल बड़ा करें। सही कह रही हो, ना तुम लोगों के सर पे बाप है ना भाई है, मेरा क्या है, मैं आज हूं कल नहीं हूं। अब तुम लोगों का जो कुछ भी है अपने ससुराल में है, जीना मरना सब कुछ उन्हीं के साथ। अच्छा मियां, आप परेशान मत हो, मैं अरसलान से बात करती हूँ। अकबर भाई आ जाते तो सब कुछ हल हो जाता। हाँ, कोई ना कोई हल तो होगा ना बेटा इस बात का। मैं अरसलान को देखती हूँ, कब से अकेले बैठे हैं, आप आ जाइएगा। अरे हाँ, अपनी परेशानी में अरसलान को तो भूल ही गए। जाओ बेटा, तुम उसके पास बैठो, मैं आ रही हूँ।